दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय हेवन यूनिसेक्स सैलून सोलन। सोलन में चल रही फॉरेस्ट गार्ड भर्ती अब अंतिम पड़ाव में पहुंच गई है। भर्ती के लिए अब लगभग 6000 प्रतिभागी पसीना बहा चुके हैं। इनमें से अब तक 1984 उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जबकि 3160 ग्राउंड टेस्ट में ही फेल हो गए। सोमवार को भी सैकड़ों प्रतिभागियों ने कड़ी धूप में 100 और 800 मीटर रेस, हाई जंप, लॉन्ग जंप इत्यादि ग्राउंड में टेस्ट प्रक्रिया में भाग लिया। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ग्राउंड में 4 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें पल पल की एक्टिविटी को कैद किया जा रहा है। चयनित प्रतिनिधि आगामी 30 जून को लिखित परीक्षा में भाग लेंगे। मेरा नाम शीतल शर्मा है, मैं चैल से बिलोंग करती हूँ और मेरा 100 मीटर की रेस हो चुकी है और अब 800 मीटर की बाकी है। अगर आप चयनित हो जाते हैं फॉरेस्ट गार्ड में, तो आपका सबसे पहला मूल कर्तव्य क्या रहेगा? मेरा कर्तव्य है वनों की रक्षा करना। जिस तरह से जगह जगह में आग लग रही है, वनों का नुकसान कर रहे हैं, जिस तरह से लोग वनों को काट रहे हैं, उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। नए पौधों को लगाऊंगी और गांव-गांव में ये कहूंगी कि बहुत जितने भी हम पेड़ लगा सकते हैं, जितने भी हम लोगों को पेड़ों के प्रति जागरूक करेंगे, उसी तरह से मेरा कर्तव्य यही है। पारस ठाकुर है और मैं सोलन डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता हूँ। अभी हमारी 100 मीटर रेस पूरी हुई है और 800 मीटर की तैयारी शुरू है। फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती देने के पीछे मेरा लक्ष्य ये है, जैसा अभी आप देख सकते हैं काफ़ी जंगलों में आग लगी है, करोड़ों का नुकसान हुआ है, बहुतों की जो उनकी लाइफ थी वो गवा दी। तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ, फॉरेस्ट गार्ड का क्लियर करने के बाद हमारा पहला कर्तव्य ये होना चाहिए कि अपने वनों को बचाना। वन और बाकी जो भी चीज़ें फ्लोरा एंड फौना, उनकी सबकी रक्षा करना हमारा मेन कर्तव्य होना चाहिए सबसे पहले। वासुदेव शर्मा, DS नालागढ़, ग्राउंड कमेटी में उम्मीदवारों के चयन हेतु ड्यूटी लगी है, जिसमें आज तक लगभग 6000 कैंडिडेट आ चुके हैं। उसमें 1984 ग्राउंड टेस्ट क्लियर कर रहे हैं और लगभग बाकी 3160 जो हैं वो ग्राउंड टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए हैं। उम्मीदवारों के लिए यहाँ पानी का, मेडिकल, सभी तरह की सुविधाएं जो प्रदान की जा सकती हैं की जा रही हैं और सारा कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से चारों तरफ किसी की भी लगे हुए हैं, कहीं भी किसी भी कैंडिडेट का असंतोष सामने नहीं आया। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए सोलन से जेट ठाकुर के साथ सुरेंद्र ममटा की रिपोर्ट। भागदौड़ भरी इस जिंदगी में कौन खूबसूरत नहीं दिखना चाहेगा? आपकी खूबसूरती और युवा दिखने की चाहत को बरकरार रखने के लिए अब हेवन यूनिसेक्स सैलून ग्रुप आपके अपने शहर सोलन और कुल्लू में। अत्याधुनिक उपकरणों व ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधनों से लवरेज हेवन यूनिसेक्स सैलून ग्रुप तेजी से उभरता वो नाम है जो बेहतरीन सर्विसेज और गुणवत्ता के लिए एक अलग पहचान बना रहा है। हेवन्स ग्रुप के प्रबंध निदेशक जितेंद्र ठाकुर बताते हैं कि हमारे यहाँ ब्राइडल, ग्रूम्स, मेकअप के साथ साथ हेयर कट, ट्रिमिंग, शेविंग, हेयर स्पा, फेशियल, वैक्सिंग, ब्लीच व हर तरह का क्लीनअप इत्यादि सभी प्रकार के सौंदर्य ट्रीटमेंट किए जाते हैं। तो जवान जवान दिखने के लिए आज ही चले आइए अपने नजदीकी हेवन यूनिसेक्स सैलून।